चाहता हूँ कि अहदे हाजिर के एक ऐसे मुतरन्निम शायर को आपके बीच पेश करूँ कि अपने गजल के अशार में सच्चाइयां पिरोना और सच्चाइयों को ऐसे टांक देना कि वो चांद सितारों की तरह रोशन नजर आए। ये काम है जनाब वाहिद अंसारी का। बहुत खूबसूरत लहजा, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत ही बेबाक आवाज, ये उनकी शिनाख्त है। मैं जनाब वाहिद अंसारी से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन ग्रामी, इतना बड़ा मजमा है, इतना खूबसूरत मुशायरा है। आज़मगढ़ की एक तारीख रही है, इसका एक हवाला दिया जाता है मुशायरों का, लेकिन अभी तक के इतने लोग बैठे हैं लेकिन कहीं से लग नहीं रहा है कि यह आज़मगढ़ की बस्ती में इलाके में मुशायरा हो रहा है और आज़मगढ़ के लोग बैठे हैं। अगर आप मौजूद हैं तो अपने होने का एहसास दिलाएं। मैं चार मिसरों से और डाइस पर भी जितने मेहमान और शोरा बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा शरीक हो जाएं, एक अच्छा सा माहौल बन जाए ताकि दोनों मिलकर कुछ देर साथ सफ़र कर लें। मैं अपने चार मिसरों से शेरी सफर का कुछ मुतफरिक अशार पढ़ूंगा। नाते पाक पढ़ के मैंने अपनी हाजिरी दर्ज करवा ली है और कुछ शेर पढ़ के मैं अपना लिफाफा हलाल कर लूँ, उसके लिए कुछ मुतफरिक अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपकी इजाजत है? इरशाद पढ़िए भाई। इजाजत है भैया? तो यहाँ से वहां तक एक मरतबा मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं अपने सफर का आगाज करूँ। इजाजत है, पेश करता हूँ सवाल। फरमाए पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, क्या कहना, हीरे मोती और नगीने वाले, क्या कहना। इंशाल्लाह जब ये तीसरा और चौथा मिसरा पढ़ूंगा आप शरीक हो जाएंगे। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं, हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी सी बेदारी के लिए मैंने ये चार मिसरे पढ़े थे। भाई अबू आसिफ आज़मी साहब सदारत फरमा रहे हैं, महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हिंदुस्तान का शेर हम कहते हैं इनको, कायदे नस्ल नौ हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इन्होंने तकरीर में मालेगांव के बम ब्लास्ट का हवाला दिया और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था हाल ही में बाइज्जत उनको बरी किया गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा लम्हा, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे चला गया और बहुत आला तालीम हासिल करने के बाद भी उनकी उम्रें ख़त्म हो गई, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने पर आ गई हैं। तो मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और इस मामले में सबसे पहली आवाज़ महाराष्ट्र में अगर किसी ने उठाया था तो भाई अबू आसिम आज़मी ने, बहुत मेहनत की उन लोगों के लिए और वो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा अगर इसमें कोई मेहनत अगर किसी शख्स के लिए की है तो भाई अबू आसिम आज़मी साहब ने, इसीलिए हम इनका बहुत एहतराम करते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और भाई की ज़ुबानी आपसे शरीक, आपसे मुखातिब होता हूँ और शरीक होता हूँ। समाज फरमाए, इजाज़त है, समाज फरमाए, शोरा की शिरकत चाहता हूँ। भाई देखना, ताहिर फराज साहब तशरीफ रखते हैं, जौहर कानपुर साहब, भाई अल्ताफ जी सब लोग बैठे हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और यही से मुशायरा बना। पहले तालीम से भाई, क्या अच्छे मिसरे हैं यार, वाह, बस जी लगा के सुन लीजिए। तुम मोड़ दिए जाओगे, वाह, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। जैसे दूसरा मिसरा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह आप तैयार हो जाएंगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। इस मिसरे पे हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, इस मिसरे पे आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए थी मुझे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना
की फिर से पढ़िए ये चार मिसरे तोड़ दिए जाओगे वरना धागे की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे शेर कमलेश तिवारी के हवाले से पढ़े गए हैं, मैं भी चार मिसरे पढ़ देता हूँ और देखता हूँ कि आप कहाँ तक शरीक होते हैं। समात और मैं कुफर का कत्ले आम जमी पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम जमी पर देखेंगे, कुफर का कत्ले आम जमी पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम जमी पर देखेंगे, चारों तरफ इस्लाम जमी पर देखेंगे। फिर ओनो शद्दात को हमने देखा है, फिर ओनो शद्दात को हमने देखा है, तेरा भी अंजाम जमी पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम जमी पर देखेंगे, तेरा भी अंजाम जमी पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया। बस्ती में जो आग लगाने वाला है, बस्ती में जो आग लगाने वाला हमने सुना है मोम बनाने वाला है, बस्ती में जो आग लगाने वाला है हमने सुना है मोम बनाने वाला है, चाहे जितनी आग लगा तो ऐ जालिम हमको तो अल्लाह बचाने वाला है, हमको तो अल्लाह बचाने वाला है। और ये आखिरी चार मिसरे मैं भाई अबू आसिम आजमी के लिए पढ़ता हूँ। महाराष्ट्र में कोई भी प्रोग्राम होता है हम इसलिए पढ़ते हैं कि इनका एहतराम करते हैं। मैंने जो महसूस किया वो चार मिसरे पढ़ के मैं इजाजत पेश करता हूँ। समझ में भाई, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है, तुम तो एक कुर्सी पे हुकूमत करते हो भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। वाह 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 वाहिद भाई, अरे पढ़ लो कुछ और थोड़ा सा पढ़ो जी। नहीं नहीं सब आपको सुनने के लिए आवाज दे रहे हैं। देखिए ऐसा ऐसा है भैया, मैंने नाते पाक भी पढ़ी, गजल के दौर में भी मेरी हाजिरी हो गई, अभी मुल्क के बड़े बड़े शोरा तशरीफ रखते हैं, एक बड़ी फहरिस्त है और वक्त कम है ना, इस पढ़े। अच्छा ठीक है, ये चार गजल के कुछ शेर जरूर, एक गजल के कुछ शेर पढ़। अच्छा ठीक है, गजल के कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ। समाज फरमाए तहतुल लफ्ज में पढ़ दें। अच्छा ठीक है, मतलब पढ़ता हूँ। समाज फरमाए दिल तेरी झील से, सिर्फ मतलब आपके काम का है, ये जो आवाज अच्छा। है ये मतलब सिर्फ उनके लिए है, उसके बाद दो तीन शेर जो मेरा मिजाज है मैं पेश करूंगा। दिल तेरी झील से आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, अपने अरमान के। शोरा की शिरकत चाहूंगा, अगर शेर हो गया तो मुझे मोहब्बतों से नवाज दें। अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, अब हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, आरजी घर के
दरो बाम सजाने वाले, आरजी घर के दरो बाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे सोने के निवाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। जनाबे वाहिद अंसारी अपना खूबसूरत कलाम पेश करके रुखसत हुए।